सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं हम सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो जो कि होने वाले इस दोबारा से कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। और हाँ गाइस, आज की वीडियो होने वाली खास क्योंकि मैं आज बाय करने वाला हूँ अपना मन पसंदीदा कार जो कि इस गेम में है या फिर नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ, वैसे हाँ कार अवेलेबल तो है, तो चलो चलते हैं गेम में एंड देखते हैं क्या उस कार में आकर उतना पावर है या फिर नहीं। तो हाँ गाइस चलो चलते हैं गेम में। उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे अगर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। सो बढ़ते वीडियो में, लेट्स बिगिन। ऑलराइट एवरीबॉडी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया हूँ कि हाँ देखता हूँ यहाँ पे वो कार अवेलेबल है या फिर नहीं जो मैं आज बाय करने वाला हूँ। वैसे अगर यहाँ पे रही तो भाई अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ भाई, मेरा मन तो कर रहा है बस में बाय करने का, लेकिन क्या करूँ, देखूंगा कोई दूसरे वीडियो में, अगर मन करे तो बाय कर लूँगा। वैसे आप देखता हूँ यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं। भाई ये तो नहीं है, ये तो हाइलेक्स वगैरह लग रहा है मेरे को, और शायद ये सुपरा है ना शायद से, आई हैव अ डील। चलो हटा गाइस। वैसे हाँ गाइस, यहाँ पे कोई कार अपना सेल तो कर नहीं रहा है, तो मैं क्यों ना अपने इस कार को सेल कर दूं, क्योंकि हाँ मेरे को हल्का फुल्का पैसे की तंगी हो चुकी। तो चलो हटा यार, वैसे मैं देख लूंगा मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ। तो हाँ गाइस चलो मैं सीधे सीधे आपसे मिलता हूँ अपने लॉबी में और दिखाता हूँ आखिरकार मैं कौन से कार वहाँ पे बाइक करने वाला हूँ। डन, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने लॉबी में। तो चलो मैं दिखाता हूँ आखिरकार मैं कौन सा कार को बाय करने वाला हूँ। तो हाँ गाइस, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूँ, मेरे पास एक कार अवेलेबल है जो कि हाँ गाइस मैं अभी आपको नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि देखो मेरे को एक बंदे ने गिफ्ट करा इस कार को जो कि फाइनली मैं कोई दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं निकलता हूँ अपने मिनी शोरूम में और हाँ मैं दिखाता हूँ मैं आज कौन से कार को बाय करने वाला हूँ। भाई यार बुरा मत मानना, क्योंकि हाँ मैंने इधर ब्लर कर दिया बिकॉज मैं कार अभी दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरे को एक कार गिफ्ट करा था एक बंदे ने जो कि भाई क्या ही बताओ, अगर मैं इसे सेल करूँगा तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा आप बता देना। और मेरे पास वैसे पैसा कितना बचा हुआ, 87 लाख है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है 2 से 3 गाड़ी में इजीली से बाइक कर सकता हूँ। सो गाइस देखो मैंने पिछले टाइम यही कार को बाइक किया था और भाई खतरनाक लग रही है ना, मेरे से जितना हो सका मैंने मॉडिफाइड करने की कोशिश करना पड़ा, भाई टाइम नहीं था जिसके कारण मैं इसे उतना बेहतर ट्यून नहीं कर पाया। चलो हटा हटाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस चलो 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 मैं सीधा निकलता हूँ अपने शोरूम में एंड आपको दिखाता हूँ आखिरकार वो कौन सी कार है। ओहो गाइस यहाँ पे दो दो बुगाटी पड़ी हुई और इस बुगाटी का हॉर्स पावर काफी ज्यादा है मेरे तुलने में जो कि मैंने पिछले टाइम बाइक करा था। वैसे हाँ इस बुगाटी का हॉर्स पावर सिर्फ और सिर्फ 1001 है, लेकिन जो ये वाली है ना भाई यार खतरनाक है। चलो हटा कोई ना। वैसे हाँ गाइस मैं इस डिस्को को बाय कर चुका हूँ जो कि यार अभी मैं बाय नहीं करना चाहता, और इस कार का नाम क्या है खतरनाक लग रही है, लेकिन हाँ ये मेरे औकात अनुसार बाहर है। सो मैं अब दिखाता हूँ मैं आज कौन से कार को बाय करने वाला हूँ, ज्यादा तालमेल नहीं करने का। एंड फाइनली यार देखो 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 ये रही कार, लेकिन हाँ मैं इसका लाइट वर्जन में जाने वाला हूँ जो कि यार ये रही मर्सिडीज एंड भाई खतरनाक लग रही है। वैसे इस कार का हॉर्स पावर काफी ज्यादा कम है, लेकिन चलो कोई ना, फाइनली मैं इसे बाय करने वाला हूँ बिना सोचे। इन जस्ट 1, 2 एंड 3 लेट्स गो गाइस, फाइनली ये कार मेरे शोरूम में आ चुकी है जो कि भाई मेरा काफी गंदा नुकसान कर दी है। और अगर मैं इसे सेल करना चाहूँ तो आखिरकार ये कितना में बिकेगा मेरे को नहीं पता। खैर 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 हटाओ, चलो मैं सीधे सीधे निकलता हूँ अपने हाईवे वाले एरिया में और मैं देखना चाहता हूँ क्या ये निसान GTR को टक्कर दे सकती है या फिर बुगाटी को, बिकॉज ये बुगाटी से काफी नीचे लोअर बजट में है। चलो देखता हूँ, फाइनली मैं निकलता हूँ अपने हाईवे वाले एरिया में एंड गाइस सीधा आपसे वहीं पे मिलता हूँ। ऑलराइट यार मैं आ चुका हूँ अपने कार को लेके हाईवे वाले एरिया में, और देखो भाई इधर फोकस मत करना ठीक है ना, चलो हटाओ। तो देखो ये रही कार, और यार मैं सच्ची बताऊँ ना तो लुक खतरनाक है। वैसे 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 रुक जा, सबसे पहले मैं इसका साउंड सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार इसका साउंड कैसा है, और जब मैं इसे मॉडिफाइड कर दूंगा यानी कि एग्जॉस्ट वगैरह लगा दूंगा तो फिर मैं हाँ देखना चाहता हूँ क्या इसका साउंड में कुछ चेंज हुआ या फिर नहीं। तो फाइनली देखो भाई सुनो आखिरकार, कान अटका के इधर यानी कान एड़ लो इधर एंड फाइनली सुनना ठीक है। सो देखो उतना बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जब मैं इसमें एग्जॉस्ट लगवा दूंगा ना तो भाई यार क्या ही बताऊं खतरनाक होने वाली। तो चलो सबसे पहले मैं इसका स्पीड चेक करना चाहता हूँ आखिरकार ये कितनी भगती है, और जब मैं इसे मॉडिफाइड कर दूंगा ना तो फिर मैं देखूंगा आखिरकार ये क्या निशान GTR को टक्कर दे पाती है फिर। सो गाइस चलो 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 मैं इसका रेस स्टार्ट कर दिया हूँ, और पहले गियर में कितनी भगी थी मेरे को पता नहीं चला, लेकिन चलो हटा 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 चलो यार। वैसे यहाँ पे 140 क्रॉस कर चुकी है 160, और क्या आपको लगता है ये 300 क्रॉस कर पाएगी या फिर नहीं, वैसे मेरे को नहीं लग रहा। अबे भाई 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 ये क्या हो गया, चलना चलना, ये क्या फ्रंट रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे पास। वैसे मैं इसे बाद में चेक कर लूंगा भाई, रुक जा, जो भेजाओगे उसके लिए सॉरी यार मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को सबसे पहले भी रेस में फोकस करना, तो मैं इधर फोकस कर लेता हूँ बिकॉज भाई देखो यहाँ पे भाई 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 मैं इधर बोल रहा हूँ और इधर स्पीड देख रहा हूँ यार 340 क्रॉस हो गई है। ओहो हो यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि निसान GTR को टक्कर दे सकती है, पता नहीं। चलो 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 देखते हैं, एंड वो रहा एक पीछे बंदा, खैर हटाओ उस बंदे को, मेरे को फोकस नहीं करना। एंड भाई यहाँ पे 410 क्रॉस हो चुकी है और लगातार पड़ते जा रहा है, एंड वेट अ सेकेंड, अबे यार देखो 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 देखो। हाँ गाइस उस कार को मैंने झूठ में देखा, लेकिन चलो चलो मैं सीधे सीधे आपसे वाई स्पीड में मिलता हूँ। डन यार हमारा कार यहाँ पे फाइनली फिर से 400 टच हो चुका है, और मैंने यही केप अपने कार को ठोका था, बट यार रुको रुको मैं इस बार फोकस करके चलाने वाला हूँ, लेकिन चलो हटाओ हटाओ। वैसे यार भाई क्या हुआ मेरे कार को, अबे भाई आज का मर रहे पता नहीं, मैंने यहाँ पे फ्यूल अप करवाया तो
ये क्या हो रहा है? खैर लगता है जब हार्ड बंदा आता है ना हमारे सामने तो पहले गेम पूरा लैग करने लगता है। पता नहीं गाइस, खैर आपने यहाँ पे खुद वैसा ही देखा, जो कि यार देखा वहाँ पे मेरे सामने एक एनिमी कार वाला बंदा था और मेरा गेम का क्या ही हाल हो गया था यार, पता नहीं। वैसे यहाँ देखो इस कार का स्पीड 430 मान लो, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 423 तो भाई यू ही देखा और स्पीड बढ़ रहे थे, बट उस बंदे के कारण मेरे गेम यहाँ पे पूरा लैग करने लगा। तो चलो 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 यार, मैं सबसे पहले से मॉडिफाइड करता हूँ और फिर मैं देखूंगा अगर इसकी स्पीड कितनी जाती है। वैसे हाँ मैंने इसे अभी मान लिया 430 कवर कर लेती है। गाइज गाइज गाइज, हमारी कार यहाँ पे गैराज में आ चुकी है और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं इसका कलर नहीं चेंज करने वाला, बिकॉज देख रही यार इस कार की कलर जबरदस्त लग रही है, ब्लैक एंड येलो में भाई खतरनाक लग रहा है। तो चलो गाइज, सबसे पहले मैं इसका ट्यून करके देखता हूँ आखिरकार प्राइस क्या पड़ती है। सबसे पहले मैं इसमें इंजन अपग्रेड करवाने वाला हूँ V12 में, लेकिन भाई इसका स्पीड यानी कि हॉर्स पावर काफी ज्यादा कम हो जा रहा है, तो छोड़ दो यार नहीं करवाने वाला। एंड अदर्स में अगर मैं जाऊँ तो ट्रिपल टर्बो का प्राइस काफी ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन हाँ हॉर्स पावर बढ़ा रहा है तो भाई मैं करवा लेंगे बिना सोचे समझे। एंड मैं इसमें स्पोर्ट टायर लगवा लेता हूँ एंड सुपर एग्जॉस्ट है क्या, हाँ यहाँ पे है 5000 वाला। एंड फाइनली मैंने इसे भी अप्लाई कर लिया इंटर कूलर से, भाई यहाँ पे 56 हॉर्स पावर बढ़ रहा है तो मैं इसे भी लगवा ही देता हूँ, और मैं फास्ट गियर बॉक्स को छोड़ नहीं सकता। एंड फाइनली मैंने इसे भी लगवा दिया, ब्रेकिंग वाला लगा देता हूँ एंड इको ट्यूनिंग में हॉर्स पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि यार भाई देख रहे हो 1127 हॉर्स पावर हो गया और अब मेरे को पता नहीं आखिरकार इसका स्पीड क्या ही होने वाला है। तो चलो 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 मैं हल्का फुल्का एक्सटीरियर में काम कर लेता हूँ, यानी कि सीधा सीधी इसका भाई क्या ही बोलते हैं बोनेट वगैरह हल्का फुल्का चेंज करके देखता हूँ आखिरकार क्या पड़ती है इसकी प्राइस। एंड रुको, ब्लैक ही करवाने वाला हूँ, चल डन यार परफेक्ट लग रही है। सो मैं इसे यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ एंड हाँ अभी पैसा है तो मैं बर्बाद कर रहा हूँ, स्पॉइलर तो है गाइस लेकिन 5000 पड़ रहा है, बट यार कोई ना चलो होती है, मैं फाइनली इसे भी करवा देता हूँ। और हाँ आखिरकार बेटर कौन सी लग रही है, ये वाली या फिर ये वाली बता दो। वैसे हाँ मेरे को यही वाला बेटर लग रहा है एंड फाइनली मैं इसे भी अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि हाँ अब मेरे कार का काम पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और हाँ गाइस, आप बताओ आखिरकार आपको कार कैसे लग रही। वैसे मैं इसमें कुछ बेहतर काम तो किया नहीं हूँ, लेकिन चलो हटाओ हटाओ अभी। हाँ मेरे को कार का कलर यही बेहतर लग रही है, जो कि इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करवाने वाला। तो आ गए चलो आप बारे है, मैं इसका स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ कि आखिरकार आप कितनी जाती है। हालांकि आ गए पिछले टाइम तो यहाँ पे 430 क्रॉस कर जाती, लेकिन भाई मेरा ही गलती था, मैं आखिरकार अच्छे बंदे के पास गया क्यों मेरे को नहीं पता चला, बट हाँ चलो कोई ना, अगर होता हुआ ऐसा तो बता देना, या फिर मेरा कोई फोन का दिक्कत हो सकता है मेरे को नहीं पता। चलो हटा, मेरा कार यहाँ पे आ चुका है और भाई यहाँ देख रहे हो यार गेम यहाँ पे काफी ज्यादा लैग तो नहीं, बट हाँ स्मूथ चलने लगी, चलो उस समय लैग कर रहा था। तो हाँ आप बारे, सबसे पहले मैं इसका पटाखा का आवाज सुनने वाला हूँ, बिकॉज यार मैं इसमें सुपर एग्जॉस्ट लगाया हूँ। और देखो यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है, लेकिन इस बंदे के पास कौन सी कार है, खैर यार मेरे को पता नहीं चल रहा, लेकिन हटाओ। वैसे है मेरे कार का सॉकर पूरा दब चुका है, सो खैर हटाओ हटाओ। चलो सबसे पहले मैं इसका साउंड सुनने वाला हूँ इन जस्ट 1, 2 एंड 3 पटाखा बज। वैसे आप पहले से आवाज कुछ हद तक बेटर हो चुकी है, पहले यार हल्का फल्का फटा आवाज आता था, मान लो कि साइलेंसर में कुछ क्या बोलूं छेदा हो चुका है वैसा आवाज आ रहा था, लेकिन हटाओ अभी बेहतर हो चुकी है। तो आ गए मैं आ चुका हूँ अपने हाईवे वाले एरिया में, बट यार देखो वहाँ पे क्या ही प्यारे प्यारे क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ मेरे गेम यहाँ पे काफी ज्यादा लैग करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे मेरा आने का मन नहीं करता। खैर हटाओ हटाओ, चलो मैं अपना स्पीड टेस्ट यहीं से कर लेता हूँ एंड डन। ओ भाई खतरनाक है, लेकिन चलो सबसे पहले मेरे कार यहाँ पे बीच में पार्क हो चुका है और सबसे पहले देख लो मेरे कार का लुक अच्छी लग रही है ना। वैसे हाँ मैं अपने कार को अभी नहीं ठोका हूँ, लेकिन चलो हटा हटाओ। सो खैर गाइस, मैं फाइनली अपने कार को एक्सेलरेट करने वाला हूँ और हाँ मैं आप देखना चाहता हूँ आखिरकार इसकी स्पीड क्या होती है। सो चलो फाइनली गाइस, यार 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 यहाँ पे देखते देखते 100 क्रॉस हो चुकी है और हटाओ हटाओ, चलो 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 चलो। ओहो भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब क्या ही है? प्यारा सा एनिमेटिक लग रहा है, लेकिन हटाओ यार मैं अपने कार को ठोक दूंगा। ओहो हो, वैसे हाँ यहाँ पे 300 क्रॉस हो चुकी है और मेरे को जहाँ तक लग रहा है मैं अपने कार को हैंडल नहीं कर पाऊंगा और फिर से मैं वही केब में आ चुका हूँ, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा है कि मैं ठोक ना दूँ। खैर हटाओ, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये 450 पर क्रॉस हो जाना चाहिए। देख लो भाई 400 क्यों ही क्रॉस हो गई, और यार देखो मैं क्या ही कहूँ अब बताओ मेरे को। देखो फाइनली मैं किस रास्ते में आ गया हूँ ना, मेरे को भी नहीं पता। खैर मैं इस रास्ते में नहीं आना चाहता था, लेकिन चलो मैं सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और गाइस यार पता नहीं मेरे से आखिर कंट्रोल ही नहीं हो रही है कार। वैसे हाँ निसान GTR को मैं अच्छे से बैलेंस कर लेता हूँ, और एक और कार है जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो कार मेरे को सब्सक्राइबर ने गिफ्ट करा है और भाई उसने मेरे को मना करा था कि भाई आप उसका एक स्पेशल वीडियो बनाना, जो कि यार अभी मत दिखाना। खैर चलो उस बंदे का भी बात मानना चाहिए हमारे को, क्योंकि फाइनली अब यार तो नीचे चलना भाई। तो आ गए जिसके साथ मेरा कान फिर से यहाँ पे 400 क्रॉस करने वाला और फाइनली यहाँ पे कर भी चुका है, जो कि यार देख रहे हो यार खतरनाक लग रहा है, लेकिन हाँ मैं फिर से यहाँ पे चेक कर रहा हूँ बिकॉज यार भाई खतरनाक लग रही है। और मेरा कार यहाँ पे 420 कवर करने वाला, और क्या भाई 400 अभी, यार ये क्या हो जा रही है भाई, रास्ता कभी खत्म हो जा रहा है, कभी कभी मेरे कार को मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और भी क्या क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे वर्ल्ड एंड हो जाता है। लेकिन हटाओ हटाओ हटाओ, मैं सीधे सीधे भाई फिर से चेक करूंगा, क्योंकि आ गाइस मेरे को कंफर्म करना है इसका आखिरकार टॉप स्पीड कितना है। सो आ गाइस फाइनली फिर से मेरा कार यहाँ पे 420 प्लस कर चुका है,
और क्या हो पता नहीं आखिर यहाँ पे 420 प्लस ही नहीं हो रहा है, लेकिन आज जब मैं इसे अपग्रेड नहीं किया था ना तो 423 चला गया था। वैसे हाँ ये 424 जा रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक का स्पीड का डिफरेंट हो रहा है। मैंने यहाँ पे करीबन 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर दिए एक्स्ट्रा इस कार के लिए और यहाँ पे स्पीड ही नहीं जा रहा। देख रहा हूँ यहाँ पे भाई 415 से 24 बस यही हो रहा है। तो छोड़ो हटाओ, स्पीड चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, बिकॉज यार देखो मैं इसमें क्या ही अपग्रेड करने का कोशिश कर रहा भाई। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एक्स्ट्रा इसमें शायद मे भी 7 से 8 लाख रुपए सच्ची में खर्च कर दिया हूँ। और देख रहे हो यार बिना अपग्रेड करे ये कार मेरे लिए कितना बेहतर था। लेकिन हटाओ, मैं आ चुका हूँ शायद मे भी कार बाय करने वाले एरिया में, तो फाइनली मैं सीधे सीधे वहाँ पे निकलता हूँ और मैं देखता हूँ क्या ये कार से कोई रेस करने वाला है। वैसे हाँ इस कार का औकात देखिए तो वही लग रहा है कोई रेस नहीं करेगा। हाँ वैसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ देखो कार का लुक काफी हद तक चेंज हो चुका है। कोई कहेंगे इसे मर्सिडीज है, ओ भाई मैक्लेरन, यार मैं मर्सिडीज बोल रहा हूँ, पता नहीं मैंने कितना बार इसे मर्सिडीज बोल दिया हुआ, लेकिन अगर मैंने बोला होगा मिस्टेक से तो भाई मुझे माफ कर देना। खैर चलो हटाओ, मैं सीधे सीधे वहीं पे निकलता हूँ और मैं शायद कोई रॉन्ग वे में आ गया हूँ क्या। खैर देखो गाइस वो बंदा यहीं पे है और मैं देखता हूँ क्या ये रेस करेगा। वैसे मेरे को पता है मैं नहीं जीत पाऊंगा। और देखो यार देखते ही देखते वो बंदा यहाँ से निकल गया। ये ना वहाँ पे अंदर में काफ़ी सारे बंदे मेरे को मिल जाएंगे जो कि रेस करने के लिए। और मैं यहाँ पे जैसे ही आ रहा हूँ यहाँ पे मेरा गेम काफ़ी गंदा लैग कर रहा है। तो रुको मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वालिटी कुछ कम कर लेता हूँ, क्योंकि देखो भाई ख़राब हो जाएगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई कार तो काफ़ी सारा है एंड देखता हूँ क्या यहाँ पे मेरे औकात अनुसार कार अवेलेबल है या फिर नहीं। वैसे बाहर मैं निकलता हूँ और को मैं बाहर तो आ चुका हूँ। और ये डॉर चार्जर है ना, ये देखो ये खुद से मॉडिफाइड किया और भाई देख रहे हो दाम कितना बोल रहा है। खैर मेरे पास भी निशान जी टी आ रहा है और देखता हूँ आखिरकार ये बंदा अपना कार का प्राइस कितना रखता है, मैं भी उसके हिसाब से सेल कर दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। और आ गए इस कार का प्राइस 150 का है तो छोड़ दो मैं नहीं लगाने वाला। और को यार तो दाम लगाना भाई, चलो हटाओ निकल गया। और आ गए मेरे को नहीं पता आखिरकार ये सेल क्यों नहीं करना चाहता। अबे यार मैं तेरे कार को थोड़े ना बाय करने वाला हूँ, मेरे पास भी वो कार है, चलो हटाओ। ओहो यहाँ पे एक और मैक्लेरन वाला बंदा आ चुका है, तो रुक जा क्या ये रिस्क करेगा मेरे से। खैर गाइस वो बंदा ने सिर्फ अपने कार का कलर चेंज करा है और कुछ हद तक चेंज मेरे को नहीं लग रहा, बट यार देख रहा अबे ये क्या हो गई मेरे कार को झटका मार रहा है। ओ हाँ हैंड ब्रेक लगा दिया तो। और भाई उस कार ने आखिरकार अभी ये क्या हो रहा है, मैंने अपने कार को अपग्रेड भी करा है और भाई उसने शायद कुछ भी नहीं करा मेरे को देख के जहाँ तक लग रहा है। रुको तो भाई रुक जाए, मैं अभी रेस नहीं करने वाला तेरे से, अबे हटना। खैर रुको 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 रुको, फिर से रेस करना चाह रहा है और मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं फिर से रिस्क करना चाह रहा हूँ। और ये कौन सा बंदा है मेरे को नहीं पता। ओ भाई आगे बढ़ना। तो गाइस मेरा कार ही आगे नहीं बढ़ रहा और मैं क्या बताऊँ। देखो पता नहीं आगे कर ये गेम वाला का दिक्कत है या फिर मेरा फोन का दिक्कत है। तो भाई तेरे को क्या हुआ यार, चल। ओ मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया था। खैर चलो यहाँ पे मेरी कार आ चुकी है एंड रुक जा, ये कौन सी कार है मेरे को देखने दे। ओ भाई सब निशान जी टी आर, और हाँ भाई मेरे पास भी निशान जी टी आर है। वैसे मेरे को उतना हक्का पक्का नहीं होने का। खैर मेरे को पता है मैं इस कार से नहीं जीत पाऊंगा तो हटाओ, मैं जो मैं वैसे पैसा भी नहीं बर्बाद करने वाला। मैंने इस कार के पीछे वैसा ही भाई 30 लाख रुपए खर्च कर दिया मेरे हिसाब से। खैर 30 लाख तो नहीं, लेकिन हाँ मे बी साइज समथिंग अराउंड 20 to 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। सो खैर गाइस हटाओ हटाओ हटाओ, मैं ज्यादा रेस नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैं जितना रेस करूंगा ना मैं उतना हारूंगा। सो खैर खैर कर सो फाइनल नेक्स्ट वाली वीडियो होने वाली खास, क्योंकि मेरे बंदे ने कार गिफ्ट करा है। और हाँ गाइस उस कार के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, 500 टच कर जा रही है। और हाँ उस कार का स्पीड लिमिट कुछ भी नहीं, लगातार बढ़ते रहता है मैं जब तक चेक किया हूँ। चलो देखो उस वाले वीडियो में आखिरकार उसका स्पीड कितना ज्यादा। तो हाँ उसे देखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर अगर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।